हर साल कुछ ऐसी फिल्में रिलीज होती है जो कि अपनी अलग हटके कंटेंट के दम पे आपके दिल में जगह बना लेती है। तो आज की वीडियो ऐसी ही पांच अंडररेटेड फिल्म्स के बारे में है जिनकी वजह से 2020 का इंडियन सिनेमा आपके दिल में थोड़ी सी जगह बचा पाया। नंबर पाँच पे है चमन बहार, जिसमें कि एक पान वाले भैया शहर से काफ़ी दूर एक सुनसान रास्ते पे अपनी पान की दुकान खुल के दिन भर कस्टमर का इंतज़ार करते रहते हैं और फिर उनको एक पड़ोसी मिल जाती है जो कि शहर में नई आई है। अब पनबले भैया आगे क्या करते हैं वो आपको नेटफ्लिक्स पे जानने को मिलेगा। क्या लड़की है भाई, फर्राटे से गाड़ी चलाती है। नाम क्या है? मायसेल्फ रिंकू ननोरिया सर, बिलासपुर से आई है। पंडा हाफ पैंट पहनती है। तेज चलाना, पता तो चलना चाहिए, पीछा हो रहा है। विकास की बत्ती बम बत्ती, बाकी का जमा रख ले, आते रहो। नंबर चार पे है जून पे रिलीज हुई चिंटू का बर्थडे। कहानी इराक में फंसी हुई एक परिवार की है जो कि अपने बेटे चिंटू का 6th बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अब उस पार्टी में घुस आते हैं दो बंदूकधारी अमेरिकन सोल्जर्स, जो चिंटू के लिए बेस्ट दिन होना चाहिए, क्या वो सबसे बुरी दिन बन जाएगी? इसका जवाब आपको Z5 में मिलेगा। विक्रम फॉर चिंटू बर्थडे पार्टी, बेस्ट फ्रेंड गर्लफ्रेंड शी गो टू स्कूल, यू डिस्ट्रॉय दिस मॉर्निंग। Welcome to Bump Guy Rap. नंबर तीन पे है तैश। दो जिगरी दोस्त है जो कि एक शादी की फंक्शन में शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर फैमिली से पंगा ले लेते हैं। इसके बाद फिल्म में शुरू हो जाता है मौत का तांडव। क्या शादी पूरी हो पाएगी या फिर अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स शादी को खून से रंग देंगे? अगर मुझे पता चला कि तुम में से कोई है तो कल यहाँ पे शादी नहीं होगी। मर जाएगा तू। मरा नहीं। नंबर दो पे है हलाहल, जिसमें एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है। दिखने में तो एक आम सुसाइड ही लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ है काफी पावरफुल लोगों के नाम। एक बाप को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी एक चालाक पुलिस ऑफिसर अपने कंधे पे उठा लेता है। क्या ये ऑफिसर इंसाफ दिला पाएगा? जवाब आपको मिलेगा इरोस नाव पे। नंबर एक पे है वेलकम होम। कहानी है शहर से दूर सुनसान जगह पे एक घर की, जहाँ पे अंदर जाने का फैसला तो आप पर है, लेकिन बाहर आने का फैसला घर में रहने वाले इंसान करते हैं। ये सिर्फ नाम के इंसान है, बाकी काम जानवरों से भी बदतर करते हैं। आपने वेलकम होम जैसी फिल्म इंडियन सिनेमा में दूसरी नहीं देखी होगी। ये आपका पहला बच्चा है? मतलब और बच्चे हैं? बच्चे तो मर जाते हैं। मतलब बाहर आते हैं, थोड़ा रोते हैं, फिर मर जाते हैं।